Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Today we discuss about class 8 rational numbers. हम क्या करेंगे आज फर्स्ट डी एक्सरसाइज का फिफ्थ और सिक्स सम करेंगे. हमें फिफ्थ सम में क्या दे रखा है, फिफ्थ में फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, मीन्स हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं, हमें उनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. हमने पहले जब रेशनल नंबर्स किया था तो उसमें इनवर्स मीन्स क्या किया था कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे 7/2 है तो उसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास 2/7, ठीक है. इसमें यही बोला गया है कि कुछ नंबर्स दे रखे, कुछ फ्रैक्शंस हैं, उसमें क्या करना है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो हमें फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें 13/25, इसको क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे, मीन्स इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 25/13. इनवर्स का मीन्स बिल्कुल इसका अपोजिट करना है हमें, ठीक है. इधर क्या दे रखा है 17/12, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे साइन है वो ऐसा कैसा रहेगा, सिर्फ ये जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 17 है, सिर्फ ये कन्वर्ट हो जाएंगे. इनवर्स में हमें क्या करना, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है. जो नोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर बना देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका नोमिनेटर बना देंगे. और इधर क्या ये नेगेटिव का नेगेटिव इधर और इधर 24/7, ठीक है. इसमें क्या, जो भी हमारा इनवर्स है, मीन्स इसमें एक चीज और थी कि जो आपको सम दिया गया था, जैसे 2/5 है, ठीक है, इसका क्या करना है मल्टीपल इनवर्स, मतलब इनवर्स करके फिर मल्टीप्लाई करना था, इसको हम 5/2 करके भी, जैसे ऐसे करके इसको तब भी करते थे. मीन्स जब हमें कोई भी फ्रैक्शन देके ये बोला जाता था कि इनवर्स मेथड से उसको सोल्व करना है, तो हम ऐसे करते थे, ठीक है. इसमें क्या था, हमें उल्टा ही करना था, तो इनवर्स में हमें जैसे ये 18 दे रखा है, 18 का मीन्स क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मीन्स ये है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर पर 1 है, ठीक है. तो जब हमें इसका अपोजिट करेंगे, इनवर्स में करेंगे, तो 1/18 हो जाएगा. इधर ये कितना है, -16 है, मीन्स क्या है, इसके नीचे इधर 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है. अब ये क्या है 0/2 है, मीन्स 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 0 आता है, तो हमारा ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. 0 हमारा कोई नंबर नहीं है, तो इस करके डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है. इनवर्स में क्या करना, जो भी आपको फ्रैक्शंस गिवन है उसको क्या करना, अपोजिट कर देना है. अब हम क्या करेंगे, सिक्स सम में देखते हैं हमें क्या कर रखा है. सिक्स सम में फ्रैक्शन ही दे रखी है हमें, उसमें हमें पावर दे रखी है, जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, वैसे उसमें नेगेटिव पावर दे रखी है, बट हमारी कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होती, तो हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव करेंगे. और पॉजिटिव कैसे करेंगे अब वो देखते हैं. फाइंड दी वैल्यू ऑफ, हमें नंबर दे रखा है, फर्स्ट है 5/8, इसकी पावर में क्या, -1 है. हमारे पास सेकंड क्या है 4/9, इसकी पावर में क्या, -1. और हमारा थर्ड क्या है 7/9, पावर 91, ठीक है. अगर हमारे पास जैसे कोई भी होती है पावर, जैसे देखो 2 सा होता है, तो 2 सा कितना होता है 4, 2 की पावर 1 है, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2. इसमें क्या है, हमारी हमेशा पॉजिटिव पावर होती है. इसमें क्या दे रखा, हमें क्या दे रखा, नेगेटिव पावर में है. हमें जब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में करना, तो हम क्या करेंगे, इसके जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, मतलब हमें क्या दे रखा है 5/8 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 8/5. मीन्स जैसे हमने क्या किया था, इनवर्स करना था ना, मल्टीप्लीकेटिव था, तो इसमें भी हमें जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसका उल्टा कर देना है, ठीक है. इधर क्या है ये 9/4, इसकी जो हमारी 1 की वैल्यू है, हमें हमेशा ये क्या हो जाएगी, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे. इसमें आगे हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा, तो 7 हमारा क्या होगा, तो 91/7. जब हम इस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, तो जो हमारे फ्रैक्शन गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट में क्या करना है, वेरीफाई दी फॉलोविंग्स, मीन्स कुछ दे रखी हैं इक्वेशंस, उसमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, हमें वो प्रूव करना है. जैसे हम 7 सम में वेरीफाई दी फॉलोविंग्स, तो हमें फर्स्ट दे रखा है 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13 इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई
फाइव अपॉन सिक्स, इधर प्लस थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, ठीक है। अगर हमें कोई भी ऐसे इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट साइन दे रखे हैं। उसमें क्या करना है, बी क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट इधर क्या है ओपन करनी है, उसके बाद क्या है डिवाइड करना है, उसके बाद क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर क्या है एडिशन, और इधर क्या करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या बोला है कि जो भी ब्रैकेट में नंबर है हमें उनको सॉल्व करना है, तो पहले हम जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले ये ब्रैकेट में इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई, जो हमें थ्री और सिक्सटीन है हम क्या करेंगे उनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे सिक्स और थर्टीन है, तो टू थ्री जा सिक्स एंड इधर क्या थर्टीन, थ्री वन जा थ्री एंड इधर क्या थर्टीन, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितना आएगा, टू थ्री जा सिक्स एंड सिक्स और थर्टीन की मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा हमारा सेवेंटी एट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करते हैं, और जो हमारा डिवाइड करने के बाद आता है उसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिक्स की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है, डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है थर्टीन, और थर्टीन फाइव से कितना होता है सिक्सटी फाइव, ठीक है। जब हम थर्टीन की इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आता है सिक्स, और सिक्स की ट्वेल्व के साथ करेंगे तो सेवेंटी टू, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है कि पहले ब्रैकेट ओपन करनी थी, मीन्स थ्री अपॉन सेवन एज इट इज, उसके बाद इसके अंदर क्या है फाइव और टू है सेवन, सिक्स और सेवन है थर्टीन अपॉन सेवेंटी एट, ठीक है, इसके साथ ही हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हो गया। अब ये दोनों क्या है डिवाइड में है तो हम इनको कट कर सकते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री सिक्स जा एटीन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आता है 137 अपॉन 7 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सिक्स जा 42, तो इधर 4 इधर, 7 टू जा 14 एंड 4 कितना होता है 18, ठीक है, हमारे पास ये आया है। अब उसके बाद इतना सॉल्व हो गया है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 137 अपॉन 182, अब क्या है यहाँ पे जो सेकंड हमें साइड दे रखी है बाय राइट हैंड साइड, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले जो हमें ब्रैकेट है उसको ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो हम इसको ओपन करने के बाद क्या आता है फाइव अपॉन सेवन टू जा फोर्टीन, ठीक है, ये ओपन हो गई है। इसमें क्या करना है, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ट्वेल्व की थ्री के साथ करेंगे थर्टी सिक्स अपॉन थर्टीन की सेवन के साथ करेंगे नाइनटी वन, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी हमें डिनोमिनेटर दे रखी है उनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, मीन्स यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है 91, तो 27 जा 14 इधर कितना है 91, ठीक है, यहाँ पे कितना है 71 जा 7 यहाँ पे 13 एंड 31 जा 13। अब इनका एलसीएम हमारा कितना आता है 7 टू 13 7 जा 91 और 91 टू जा 2 1 जा 2 82, तो हमारा कितना आता है 182, ठीक है। जब हम 14 को 182 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है 13 और 13 फाइव से कितना होता है 65, ठीक है। अब उसके बाद जब हम 91 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है 2 एंड 32 टू से कितना होता है 72, हमारा कितना आता है यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 91 के साथ करेंगे 2 आएगा और 36 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। अब इनको ऐड करने के बाद हमें कितना आता है 5 और 2 कितना होता है 7 और 6 और 7 को करेंगे हम कितना आएगा इधर 30 और नीचे हमारा कितना है 182, ठीक है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी 137 अपॉन 182 और उधर कितना है 137 अपॉन 182, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
हमने यही वेरीफाई करना था कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि वो दोनों के इक्वल है या नहीं. इसने ये बोला कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, कि इक्वल का निशान है, मीन्स दोनों ये इक्वल है या नहीं है. इसी के साथ में हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स रह जाएंगे उनको आप प्रैक्टिस करोगे. अगर बाय चांस नहीं निकलते हैं फिर आप कंफ्यूजन बता सकते हो. अब इसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है. -8/3 + -8/3 = -13/12 × 5/6. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ये दोनों प्लस करने हैं. पहले तो हम क्या करेंगे, 3 का 12 को एलसीएम लेते हैं तो हमारा आएगा 12, 3 4 12 एंड 4 8 32, -32. ठीक है, प्लस 12 का 12 कैंसिल हो गया, इधर कितना है, -13. ठीक है, उसके बाद है इधर 5/6. अब क्या करना है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव 13/12 × 5/6 और ये दोनों क्या है, नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव 3/5 एंड 3 × 1 = 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 45/12. इसके साथ में हमारा ब्रैकेट ओपन और इधर आ जाएगा 5/6. अब इसका क्या करेंगे, हम इसको कट करके देख लेते हैं. 3 1 3 3 5 15 and 3 2 6, तो हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 2. अब देखो यहाँ पे 12 है तो 3 5 15 and 3 4 12, तो इन दोनों के यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमारा क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 5 × 5/4 × 2 मीन्स 5 5 25 अपॉन 4 2 8. एंड इसी के साथ में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा ये नेगेटिव का साइन साथ में ही रहेगा इसके, तो हमारा कितना आएगा, -25/8. ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखिए, अब हम क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, -8/3 5/6. इसको सोल्व करना, पहले 8 5 -40/18. ठीक है, प्लस अब हम इनको करते हैं, 13 5 = 65 and 12 = 72. ठीक है, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 का और 72 का, हमारा एलसीएम कितना आएगा, इधर देख लेते हैं, इधर टू नाइन 18, 2 3 6 एंड 2 6 12. अब यहाँ पे 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3. ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 and 24 3 72. ठीक है, इतना हो गया है. अब 18 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आता है, 4. अब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0, इधर हो जाएगा 16, तो हमारा कितना आएगा, 160. अब यहाँ पे क्या है, प्लस 72 से 72 कैंसल, इधर क्या दे रखा है, नेगेटिव 65. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव 160, नेगेटिव 65/72 मीन्स साइन रहेगा नेगेटिव. इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इधर आएगा 5 एंड 6 6 12, इधर आ जाएगा 25/72. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले 3 से, 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15 / 3 2 = 6 एंड 3 4 = 12. ठीक है, ये नेगेटिव है. अब उसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 के साथ दोबारा से करेंगे, -75 है एंड 24 मीन्स इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15 एंड 3 8 = 24. तो इन हमारे कितना आएगा, नेगेटिव
तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कितनी आएगी हमारी, नेगेटिव 25 अपॉन 8। ठीक है, इट मींस हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी के साथ में जो भी हमारे अदर्स हम दे रखे हैं जो पार्ट्स है उसमें हमें पहले क्या करना है, एक साइड को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो हमारी दूसरी साइड है उसको सोल्व करना है। ठीक है, अगर किसी को किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जब आपकी जो मैथ ऑनलाइन क्लासेस होती है तब आप कन्फ्यूजन शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करोगे उससे सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।